एक ऐसा देश जहाँ की औरतें अपने साथ बंदूक लेकर घूमती है, और ये औरत 78 सालों से रेत को खाकर जिंदा है, और मंदिरों में घंटियां क्यों बजाई जाती हैं? क्या है इसके पीछे का विज्ञान, जानेंगे वीडियो में। नंबर वन, मंदिरों में लटकती घंटियां तो आप सभी ने भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में इन घंटियों के बजाए जाने के पीछे का असली साइंटिफिक रीजन क्या है? तो जैसे ही इस घंटी को बजाया जाता है, उस समय उसमें से निकलने वाली कंपन की आवाज लगभग 7 सेकंड के लिए हमारे मस्तिष्क में एक खास तरह की वाइब्रेशन को उत्पन्न करती है, जिससे हमारे सारे विचार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और हमारा माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। ये हमारे फोकस के साथ साथ कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। घंटी से निकलने वाले आवाज की वजह से हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक संतुलन स्थापित होता है। इतना ही नहीं, इससे निकलने वाली आवाज शरीर के साथ चक्रों को भी एक्टिवेट कर सकती है। वैसे क्या आप इसके बारे में जानते थे, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर टू, अगर खाने की चीज में रेत का एक भी कण आ जाए तो खाने का मजा ही खराब हो जाता है, लेकिन वाराणसी में रहने वाली कुशमावती नाम की इस महिला की तो खुराक ही रेत है। जी हाँ, ये अपना सारा दिन रेत को खाकर गुजार देती है। कुशमावती जब 15 साल की थी तो अचानक से एक दिन उनके पेट में काफी तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें एक वैद्य ने दूध में रेत मिलाकर खाने के लिए कहा। इससे उनके पेट का वो दर्द खत्म तो हो गया, लेकिन उन्हें रेत के खाने की ऐसी लत लग गई कि आज 78 साल की उम्र में भी वो दिन में करीब 1 किलो रेत तक खा जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 63 सालों से लगातार रेत खाने के बावजूद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ है। जिस उम्र में लोगों की कमर तक झुक जाती है, कुसुमावती की आंखों पर तो चश्मा तक भी नहीं चढ़ा। इतना ही नहीं, इस उम्र में भी वो अपने खेतों के साथ साथ घर का भी काम संभाले हुए है। डॉक्टर भी हैरान है कि रेत का उनके शरीर पर कोई बुरा असर कैसे नहीं हुआ। नंबर थ्री, मॉडर्न साइंस ने इंसानी जीवन को नई उपलब्धियों तक पहुंचा दिया है। अब जरा इस मिनी कंप्यूटर को ही देख लीजिए, जो कि आकार में एक चावल के दाने से भी छोटा है। इस कंप्यूटर का आकार 0.3 मिलीमीटर है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी ये कंप्यूटर बड़े ही काम की चीज है। डॉक्टर इसकी मदद से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर तो इन खतरनाक बीमारियों के इलाज में भी सहायक साबित हो सकता है। साइंटिस्ट लगातार इस कंप्यूटर को कैंसर समेत कई खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी मानने लगे हैं। हमें उम्मीद है कि मेडिकल साइंस इस क्रांतिकारी खोज को सफल बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहेगी। फिर से ये सब जानलेवा बीमारियां सिर्फ एक नाम मात्र बनकर रह जाएंगी। नंबर फोर, कई करोड़ों रुपयों की लागत से इन सड़कों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इंडिया में बनने वाली ये सड़कें तो थोड़े समय के लिए भी नहीं टिक पाती, और उसके पीछे का कारण है ये लालची कॉन्ट्रैक्टर्स, जो अपने फायदे के लिए हल्का मटेरियल यूज करते हैं, जिससे उन्हें तो बहुत पैसे का मुनाफा हो जाता है, लेकिन कमजोर मटेरियल से बनी सड़कें सिर्फ काम चलाओ ही होती हैं, जिनका थोड़े दिनों में ही इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से भारत में बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक सख्त कानून का निर्माण किया है, और इस कानून के चलते अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले टूट जाती है, या फिर उस सड़क की क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कमी निकलती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर उसकी बनाई गई उस सड़क में मौजूद गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे आप किस नियम के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर फाइव, दोस्तों अगर आप इजराइल में जाते हो तो आपको वहाँ की औरतें सड़कों पर ऐसे बंदूक लिए घूमती दिखाई देंगी। बाकी देशों की तरह यहाँ की औरतें भी फैशनेबल तो है ही, लेकिन साथ ही ये अपने साथ M16 जैसी खतरनाक शॉर्ट राइफल्स लेकर ही घर से बाहर निकलती है। दरअसल इस देश में एक ऐसा नियम है जिसके तहत यहाँ पर मौजूद हर एक नागरिक को करीब 2.5 साल के लिए मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन करना अनिवार्य होता है, और उन सर्विसेज के खत्म होने के बाद यहाँ के हर एक नागरिक को इस देश के द्वारा गन्स उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि किसी भी तरह के आतंकी हमले के दौरान यहाँ के नागरिक खुद से ही उन आतंकियों से निपट सके। बस इसी वजह के चलते यहाँ की लड़कियाँ अपने साथ सड़कों पर घूमते समय भी बंदूक लेकर चलती है। नंबर सिक्स, रेलवे क्रॉसिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहाँ से रेल की पटरियों का कांटा बदलकर ट्रेन का रास्ता बदल दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी डायमंड क्रॉसिंग को देखा है? नागपुर में स्थित इस अनोखे रेलवे क्रॉसिंग को डायमंड क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है, और इस डायमंड क्रॉसिंग की खासियत ये है कि ये भारतीय रेलवे की सभी लाइंस यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को आपस में जोड़ता है। नंबर सेवन, यूं तो दुनिया भर में अनेकों तरह के ब्रिज मौजूद हैं, लेकिन जिस ब्रिज का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, इसे शायद ही आपने कभी देखा होगा।
सीमेंट और लकड़ी के ब्रिजेस तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन पेड़ की रूट्स से बना ब्रिज पहली बार देखेंगे। मेघालय की शिलांग नदी के ऊपर बना ये लिविंग रूट ब्रिज वहाँ के स्थानीय लोगों की चतुराई और समझदारी का जीता जागता नमूना है। अधिक बारिश वाला प्रदेश होने के कारण सीमेंट के पुल तो यहाँ कुछ साल भी नहीं टिक पाए, तो यहाँ के तेज दिमाग महानुभावों ने इसका उपाय ढूंढा और ये पुल तैयार करने शुरू किए। रबर फिग ट्री की रूट से बने इन ब्रिजेस को पूरे तरीके से रेडी होने में कम से कम 20 से 30 साल का समय लग जाता है, लेकिन एक बार जब ये पूरी तरह से बन जाते हैं तो कम से कम 500 सालों तक इनका कुछ नहीं बिगड़ता। वाकई में क्या जबरदस्त फ्यूचर प्लानिंग है। नंबर 8, अब इस मच्छर से मिलिए। इसका नाम है टॉक्सो राइनचिटीज और इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर है। इसके इस विशाल काय आकार की वजह से ही इस मच्छर को एलिफेंट मॉस्किटो भी कहते हैं। इस मच्छर का डंक किसी सुई की तरह ही बहुत नुकीला और आकार में काफी बड़ा है, जिसे देखने भर से ही कोई भी डर जाएगा। अब जरा सोचिए कि इसके काटने से कितना दर्द होता होगा, लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि ये मच्छर इंसानों का खून नहीं पीते और ये अपना पेट कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल्स को खाकर ही भरते हैं, जिसमें फूल, शहद, कचरा और सड़ी हुई चीजों का रस शामिल है। नंबर 9, मिलिए रवि मंजारी से, जो इंडिया के पहले पुलिसमैन होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं। रवि महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी करते हैं और अपनी पौलाद जैसी बॉडी के दम पर इंटरनेट पर छाए रहते हैं। रवि अपनी बॉडी बिल्डिंग के करियर में बहुत से खिताब भी हासिल कर चुके हैं और जब ये पुलिस की वर्दी पहनकर सड़कों पर निकलते हैं तो लोगों की इन पर से नजरें नहीं हटती और गुंडे तो इनके नाम से ही थर थर कांपने लगते हैं। रवि को बॉडी बिल्डिंग का इतना शौक है कि ये एक दिन भी जिम मिस नहीं करते और ड्यूटी से फ्री होते ही घर जाने से पहले जिम में जाकर कसरत करना पसंद करते हैं। अगर देश के सभी पुलिस वाले इनके जैसे बन जाए तो शायद ही कोई चोर सपने में भी कभी चोरी करने की सोचेगा। ऐसे कमाल की बॉडी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, सूरज इतना गर्म है, इसकी गर्मी इससे 150 मिलियन किलोमीटर दूर धरती तक भी बड़ी ही आसानी से पहुंच जाती है। और सिर्फ पहुंचती ही नहीं, बल्कि इसकी गर्मी से समस्त संसार का क्या हाल होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। और हमारे अंतरिक्ष में तो सूरज के जैसे ऐसे बहुत सारे तारे मौजूद हैं जिनकी गर्मी से पूरा अंतरिक्ष जलकर भस्म हो सकता है। तो ऐसे में मन में एक सवाल जरूर आता है कि इन सब की इतनी गर्मी के बावजूद भी हमारा अंतरिक्ष ठंडा क्यों है, जब उसी अंतरिक्ष में मौजूद सूरज से इतनी दूर धरती तक भी इसकी गर्मी का असर होता है। तो हमारा अंतरिक्ष इतना ठंडा कैसे हो सकता है कि वहाँ निकलते ही स्पेसक्राफ्ट तक पर भी बर्फ जमने लगती है। और इसके पीछे का एक सिंपल सा कारण है, हमारे अंतरिक्ष में सूरज या फिर अन्य तारों से निकलने वाली गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी ठोस चीज यानी कि कोई मैटर है ही नहीं, जिसकी वजह से सूरज की किरणें वहाँ पर रुक नहीं पाती और अंतरिक्ष ठंडा ही रह जाता है। पर हाँ, बाकी के प्लैनेट्स जैसे कि धरती पर इनके किरणें टकराकर उनमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसके चलते हमें गर्मी का एहसास होता है। नंबर 11, कीवी नाम के इस फल को तो आपने जरूर खाया ही होगा। ये फल इतना गुणकारी है कि इसे न्यूजीलैंड में तो राष्ट्रीय फल ही घोषित कर दिया गया है। आपको शायद ये बात पता ना हो कि इस फल को दुनिया का सबसे ताकतवर फल माना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए कई जरूरी तरह के एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से युक्त होता है। इसे खाने से इंसान की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही ये आंखों की धुंधली हो चुकी रोशनी को भी बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त बनाने के साथ साथ दिल की बीमारियों को भी दूर रखता है। कीवी ब्लड प्रेशर को भी संतुलित रखता है, ये हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता, साथ ही ये अस्थमा की बीमारी से भी हमें बचाता है। कुल मिलाकर ये फल हमारे शरीर को हर तरह की बीमारियों से बचाता है, इसीलिए इस फल को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। नंबर 12, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम इंसानों की तरह ही पेड़ों को भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। और पेड़ों में होने वाली इस बीमारी को क्राउन गाल्स के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते पेड़ कुछ ऐसे दिखाई देने लगते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पेड़ों की ये बीमारी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भी ट्रैवल करती है। दरअसल ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो किसी वजह के चलते अंदरूनी तौर पर कमजोर हो चुके पेड़ को अपनी चपेट में ले लेता है और उनके विकास को पूरी तरह से रोक देता है। इतना ही नहीं, क्राउन गाल्स बीमारी से ग्रसित पेड़ ऑक्सीजन देना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पेड़ों में होने वाली इस बीमारी के बारे में पता था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 13, दोस्तों आप सभी ने भी सुना होगा कि बासी रोटी खाने से हमारे शरीर को बहुत फायदा होता है और ये कई तरह की बीमारियों को दूर करने में भी सक्षम है, लेकिन फिर भी हम सभी इसे खाने से हमेशा बचते ही हैं। आपको बता दूं कि ठंडे दूध के साथ बासी रोटी को खाने से ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर किया जा सकता है। सुबह के वक्त दूध के साथ बासी रोटी को खाने से शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी आसानी होती है। इसके अलावा पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि एसिडिटी में भी बासी रोटी को खाने से काफी फायदा होता है। और तो और, सेहत बनाने के लिए भी कई फिटनेस सेंटर में एक्सरसाइज के साथ बासी रोटी को खाने की सलाह भी दी जाती है। नंबर 14, जरा सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ के लोग राजनीति, पैसे और धर्म से कोसों दूर होकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं।
वेल, इसकी तो कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन तमिलनाडु में स्थित आरुविल्ली नाम की इस जगह पर ये सब होता है। यहाँ के लोगों को धर्म, राजनीति और पैसे से कुछ मतलब नहीं। 1968 में फ्रांस से आई एक महिला मिराल फासा ने इस जगह की स्थापना की थी। वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहती थी जहाँ पर इंसानों को सिर्फ इंसानियत से मतलब हो। फिर वहाँ पर अलग अलग देशों से आकर कई लोग बसने लगे और आज यहाँ पर करीब 3,000 लोग रहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी शांति का माहौल है जो दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता। यहाँ के लोग अपने सभी कामों को साथ में मिलकर करते हैं और आपस में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखते। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।